हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज अपने पास है भाई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, टोयोटा की एक एमपीवी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कार। इतनी कंफर्टेबल कार है कि आप इसके अंदर बैठोगे तो आपको झटके बिल्कुल महसूस भी नहीं होंगे भाई। सही बताऊँ तो टोयोटा ने ये कार लॉन्च करी है ना, उसके बाद से इतनी ज़्यादा वेटिंग चल रही है इस कार के अंदर। 13 से 14 महीने तक की वेटिंग चल रही है भाई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के ऊपर। और ये जो वेरिएंट है ये इसका ZX वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट है, जिसका एक्सशोरूम प्राइस है मात्र 30,34,000 रुपये। इस कार का एक्सशोरूम प्राइस है। बाकी अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कराया तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्ट कोई भी चाहिए हो तो आप मुझे वहां आके पूछ सकते हो। किसी भी कार की डिटेल चाहिए हो तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। बाकी अगर आपने इस कार की डिटेल वॉकराउंड नहीं देखा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक एक चीज़ की बात करेंगे। और अगर आप ये गाड़ी मार्केट में खरीदने जा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस चीज़ की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार के डिटेल वॉकराउंड से। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इस कार की की दिखा देता हूँ भाई। की देख लो, कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है। फिलहाल अभी कवर चढ़ा हुआ है इस की के अंदर, बट तीन ऑप्शन आपको इस की के देखने के लिए मिलते हैं अंदर। लॉक, अनलॉक और बूट स्पेस अनलॉक करने का एक बटन इस कार के अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी की है, मतलब हाथ में लेने में ना एकदम इसका फील आ रहा है काफ़ी। और आगे की साइड में टोयोटा का लोगो भी देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें आप छोड़ के गाड़ी के लुक्स की बात कर लेते हैं। लुक्स इस कार के काफ़ी ज़्यादा डैशिंग से दिए गए हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी बढ़िया लुक्स दिए हैं। इतनी ज़्यादा प्रीमियम कर दिया ना कार इनोवा हाई क्रॉस, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना दिया है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि फ्रंट प्रोफाइल में इसके क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले इस कार की हेडलाइट की बात कर लेते हैं। ट्राई LED सेटअप देखने के लिए मिलता है, दो लो बीम के लिए और एक हाई बीम के लिए आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी नीचे की साइड में आपको देख सकते हैं डायनेमिक इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर से लगते हैं देखने में। बाकी फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके की ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। 360 डिग्री कैमरा इस वाले वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। टोयोटा का लोगो वगैरह ये सब आपको यहाँ की साइड पे देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि टोयोटा की गाड़ी है। ग्रिल का जो डिज़ाइन है ना, ग्रिल का काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा डिज़ाइन ग्रिल का देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको दो पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से चार पार्किंग सेंसर फ्रंट में कंपनी को दे देने चाहिए थे, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है सही बताऊँ तो। साइड प्रोफाइल की तरफ चल लेते हैं, आप साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं इस कार के। तो इस कार की सबसे पहले लेंथ की बात करें, देखो लेंथ इस कार की अच्छी खासी लेंथ है। देखो मैंने पूरे हाथ फैला लिया है तब भी देखो 4,755 mm की इस कार की लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। साइड प्रोफाइल से जो कट्स वगैरह दिए गए हैं इसके अंदर काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, मतलब ये देखो यहाँ से देखो ये सब कट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कर दिए ना, थोड़ी स्पोर्टी सी भी लगने लगती है कार साइड से। बाकी इस कार की टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो टायर प्रोफाइल आपको मैं दिखा देता हूँ। 225/60R18 इंचेस के अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे। अलॉय व्हील का डिज़ाइन कुछ इतना खास नहीं लगा मेरे हिसाब से, मुझे इतना खास नहीं लगा। बाकी चारों डिस्क देखने के लिए मिल जाएंगे और पांच देखने के लिए नट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ब्लैक कलर की स्लाइडिंग आपको देख सकते हैं, क्लाइडिंग आपको डोर्स नीचे देखने के लिए मिल जाएगी प्रॉपर एकदम, यहाँ तक आप देख सकते हैं प्रॉपर। और ORVM आपको बॉडी कलर के ही ORVM देखने के लिए मिलेंगे डुअल टोन में, नीचे की साइड में ब्लैक और ऊपर की साइड में व्हाइट, विथ 360 डिग्री कैमरा एंड टर्न इंडिकेटर्स के साथ में आपको ORVM देखने के लिए मिलेंगे। ब्लाइंड स्पॉट वगैरह नहीं आता इस वाले वेरिएंट में। अगर आप टॉप वेरिएंट पे जाएंगे वहाँ आपको एडास वगैरह का फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि ZX ऑप्शनल वेरिएंट है। बस उसमें यही चेंज मिलेगा कि आपको एडास देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी दोनों साइड आपके डोर्स के रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर इसमें ऑटोमेटिक वाला है, मतलब आपको बटन वाला नहीं मिलेगा। अगर आप हल्का सा आप हाथ लगाएंगे तो गाड़ी खुद ही खुल जाएगी, जैसा कि मैं इसके पास हाथ लेके जाऊँगा गाड़ी खुद ही अनलॉक हो जाएगी अगर मेरे पास चाबी होगी तो। बाकी डोर्स का जो भाई काफ़ी हैवी से डोर्स हैं सही बताऊँ तो, मतलब अच्छे खासे हैवी डोर्स हैं इस कार के। बाकी अब इस कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो 52 लीटर्स की इसके अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। और रूफ़ की बात करें तो आपको रूफ रेल लगी हुई देखने के लिए मिलती है और पैनोरामिक सनरूफ वगैरह तो आजकल नॉर्मल है ही। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल ही जाता है कार्स के अंदर। बाकी आपको देख सकते हैं, एक आपको देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलेगा। रियर प्रोफाइल की बात कर लें तो रियर प्रोफाइल से लुक्स देखो एक बार इस कार के, लुक्स बस जो है ना अपनी इन्विक्टो आती है। अगर यहाँ पर टोयोटा का लोगो है तो
इसका नाम हाई क्रॉस है, बट यहाँ पर अगर सुजुकी का लोगो होता है ये इनविक्टो होती। रियर में इनविक्टो और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सही बताऊँ तो। बाकी यार आपको कार लॉट दिख रहा होगा, यहाँ जाके आप सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को जल्दी से। बाकी रियर प्रोफाइल की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से टेल लाइट दिए गए हैं, मेरे हिसाब से कनेक्टेड टेल लाइट दे देते तो और ज़्यादा सुंदर लगती कार। LED में प्रॉपर आपको सेटअप दिया गया है, टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर वगैरह ये सब आपको दे दिए हैं। इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग आ जाती है, टोयोटा का लोगो आ जाता है, बाकी वाइपर, डिफॉगर, अपर स्टॉप लैंप वगैरह ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। ZX देखने के लिए मिल जाता है, बाकी आपको हाइब्रिड गाड़ी है तो हाइब्रिड यहाँ की साइड में देखने के लिए मिल जाता है। रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। अब आओ इसका टेल गेट ओपन कर लेते हैं और एक कैमरा भी यहाँ की साइड में प्लेस कर दिया है। टेल गेट आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो ऑटोमेटिक टेल गेट देखने के लिए मिलता है इस कार के अंदर। देखो प्रॉपर एकदम ऑटोमेटिक टेल गेट देखने के लिए मिलता है। बाकी आपको ये देख सकते हैं यहाँ की साइड में टूल किट वगैरह सब ये देख सकते हैं, टूल किट वगैरह देखने के लिए मिलती है ये जो आप देख रहे हो। यहाँ की साइड में एक बल्ब देखने के लिए मिलता है जो कि इसका बल्ब होता है, ये देखने के लिए मिलता है जो कि हेलोजन में है। इसका जो स्पेयर व्हील है वो आपको नीचे की साइड में देखने के लिए मिलेगा। पहले एक बार मैं टेल गेट बंद कर देता हूँ। नीचे की साइड में 16 इंच का आपको टेल इसका स्पेयर व्हील देखने के लिए मिलता है। अब ये सब बातें तो हो गई हैं, अब इसका एक बार बोनट ओपन कर लेते हैं और इंजन के बारे में बता देते हैं फटाफट से, आ जाइए और माइलेज के बारे में भी बताएंगे इस कार के। तो एक बार इसका बोनट ओपन कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। यहाँ से इसका बोनट ओपन हो जाता है अंदर से और इसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो इसके अंदर मुझे एक चीज़ गड़बड़ लगी कि इसके अंदर हाइड्रोलिक्स देखने के लिए नहीं मिलते यार। हाइड्रोलिक्स तो कम से कम दे ही देने चाहिए थे यार, इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हैं, हाथ से उठाते रहेंगे क्या इसे। तो आप ये जो देख रहे हो इसके अंदर आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है जो कि प्रोड्यूस करता है 184 BHP एंड 188 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है हमारी कार। बाकी माइलेज जो कंपनी क्लेम करके देती है, भाई माइलेज इसका कंपनी क्लेम करती है 23 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी क्लेम करती है माइलेज, बट ये 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती नहीं है। हमारी ये जो कार है इसने अब तक मैक्स 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है। सही बताऊं तो हाईवे पे 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है इसने, उससे ज़्यादा माइलेज दिया ही नहीं है, चाहे हाइब्रिड ही हो। बट यार इतनी बड़ी गाड़ी है तो इतने का ही माइलेज एक्सपेक्ट करके चलो, इससे ज़्यादा माइलेज 20-22 का तो आप फिर तो आप मारुति में चले जाओ, वहाँ आपको माइलेज देखने के लिए मिलेगा 20-22 का। अब चलो ये तो एक्सटीरियर सबकी बात हो गई है, फिलहाल मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी इस वीडियो के अंदर। फ्रंट में आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलेंगे, फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलेंगे। मेरे मुंह से थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो इसके अंदर आपको फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स ही देखने के लिए मिलेंगे। अब इस कार के इंटीरियर में चलते हैं और इंटीरियर की बात कर लेते हैं कि इंटीरियर में कंपनी क्या क्या ऑफर करती है और सीट्स की सब कुछ बात करेंगे, A to Z हर एक चीज़ की बात करेंगे। अब इंटीरियर में आ जाओ भाई। सो गाइस अब इस कार के इंटीरियर की बात करते हैं, एक्सटीरियर की तो बात कर ली थी, सबसे पहले इंटीरियर में डोर्स के साइड की बात करते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये सब आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल जाता है, एकदम प्रॉपर आपको लेदर टाइप में आपको यहाँ की साइड में एक फैब्रिक देखने के लिए मिलेगा और सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी इस कार के अंदर और आपको 2 मेमोरी फंक्शन सीट्स भी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आपको 4 विंडोज़ के कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का और चाइल्ड लॉक वगैरह का बटन देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ से आप ORVM को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी डोर्स की साइड की बात करें तो ये जब आप देख रहे हैं ये आपको बोतल होल्डर का स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा बोतल होल्डर का स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। ये हमारा डोर लीवर देखने के लिए मिल जाता है क्रोम में जो आप देख रहे हो। बाकी इसके अंदर हमें JBL के स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 9 JBL के स्पीकर्स इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं हमें। बाकी यार स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं आपको सुना नहीं सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा मेरी वीडियो पे। बाकी अब इंटीरियर में स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके मीडिया कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं और इधर की साइड में आपके देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल वगैरह के बटन यहाँ की साइड में देखने के लिए मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ की साइड में मोड जो दे रखा है ये आपके स्क्रीन के मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, FM चलाना है क्या चलाना है ये सब आपको यहाँ से मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इस कार का कुछ इस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की यार सही बताऊँ तो मुझे क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बाकी इधर की साइड में आपके वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर जो होता है। इधर की साइड में ऑटो हेडलैम्प्स के बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर भी आपको इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं क्योंकि हमारी ऑटोमेटिक कार है तो पैडल शिफ्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही देखने के लिए मिलेगा इस कार के अंदर। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही चीज़ों का ऑप्शन दिया गया है। बाकी एक चीज़ की बात कर ले सीट्स की, तो सीट्स ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं सही बताऊँ तो, मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक बार बाहर उतर के सीट्स और दिखा देता हूं आपको मैं सही से। सीट्स देख सकते हो,
सीट्स ही आप देख रहे हो, ये आपको प्रॉपर एकदम लेदर रैप्ड सीट्स देखने के लिए मिलेगी, फैब्रिक में नहीं मिलेगा। बाकी यार आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ओनली ड्राइवर सीट मिलेगी, आपको को ड्राइवर सीट में आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, ना ही आपको रियर सीट पे मिलेगा। चलो रियर सीट की तो तब बात करेंगे जब हम रियर की साइड में चलेंगे, बाकी यहां से आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आप इंटीरियर में दोबारा से बैठ जाते हैं। खैर सीट्स के लिए मैं आपके लिए बाहर उतरा था, और वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको ड्राइवर और को ड्राइवर ही देखने के लिए मिलेगी। अब इस कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है, ये जो आप देख रहे हो, और एंड्रॉइड कारप्ले एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, बट एप्पल जो कारप्ले है वो वायरलेस करता है और एंड्रॉइड कारप्ले वायरलेस नहीं करता, उसको आपको वायर लगा के ही चलाना पड़ेगा। बाकी इसके आप देख सकते हैं आपको एसी के कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, आपको वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, ये जो आप देख रहे हो प्रॉपर एकदम, और ऑटोमेटिक एसी वगैरह तो आपको नॉर्मल है वो देखने के लिए मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए मिल जाता है इधर की साइड में, और ये देख सकते हैं बूट स्पेस ओपन करने का बटन मिलता है इसके अंदर, ऑटोमेटिक बूट स्पेस आता है वो मैंने बता ही दिया था। हेडलाइट अप डाउन करने का बटन देखने के लिए मिल जाता है, ये हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है जो आप देख रहे हो, PRNDS ये हमें देखने के लिए मिलता है इस कार के अंदर। बाकी व्यू का बटन आ जाता है इसके अंदर, आपको 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए मिलता है, क्वालिटी देख सकते हो कैमरे की, एक बार और दिखा देता हूँ आपको सही से, ये देखो क्वालिटी है ठीक ठाक है कैमरे की, बढ़िया क्वालिटी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है कैमरे की, इतनी ज्यादा खास भी नहीं बोलूंगा मैं। बाकी इधर की साइड में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन आ जाता है, और नीचे की साइड में आपको हिल होल्ड का बटन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर आपको दो ड्राइव मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं मैं बटन दबाऊंगा, एक पावर मोड देखने के लिए मिल जाता है और एक इको मोड देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ईवी मोड हमारा इस कार के अंदर आ जाता है, जब बैटरी चार्ज होती है तो ईवी मोड पे भी गाड़ी चल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑन और ऑफ का बटन आ जाता है जो देख रहे हो आपका। बाकी नीचे की साइड में एक टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक यूएसबी का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ की साइड में दो कप आराम से रखो भैया, अपना रख सकते हो, बढ़िया करके रख सकते हो, बट एक चीज की कमी लगी, यहाँ अगर फोन चार्ज हो रहा है तो यहाँ की साइड में फोन ही रखा जाएगा, यहाँ की साइड में आप टू कप नहीं रख सकते इस कार के अंदर। बाकी ये देख सकते हैं आपका आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, लेदर रैप में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, और इधर की साइड में लिटिल स्टोरेज भी आर्मरेस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर कूल्ड आर्मरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक IRVM देखने के लिए मिलता है कार के अंदर, और यहाँ की साइड में देख सकते हैं 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने के लिए मिलता है। इस कार के अंदर एक दो चीजों की कमी है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके अंदर म्यूट का बटन देखने के लिए मिलता है, कहीं भी म्यूट का बटन नहीं है, जैसे गाने चल रहे हैं और एकदम से आपको म्यूट करना है तो म्यूट नहीं होगा, वॉल्यूम डाउन ही करनी पड़ेगी, और कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं आती इस कार के अंदर, वायरलेस चार्जर आता ही नहीं है। यहाँ की साइड में पैड लगा सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ की साइड में पैड लगा सकते हैं वायरलेस चार्जिंग का, बट कंपनी ने अपनी तरफ से वायरलेस चार्जिंग दी नहीं है भैया, सबसे मेन चीज तो मुझे यही लगी। बाकी इधर की साइड की बात करें तो एक देख सकते हैं आपका मिरर देखने के लिए मिल जाता है, वैनिटी मिरर, और इधर की साइड में वैनिटी मिरर और लाइट दोनों ही दोनों तरफ देखने के लिए मिल जाती है। अब इस कार की सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS मिल जाएगा, EVD मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, सीट बेल्ट वार्निंग लाइट मिल जाएगी। अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं तो 1 बार बीप करेगी, और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं तो कंटिन्यूअस बीप करती रहती है गाड़ी, चुप ही नहीं होती यार, बहुत ज़्यादा बीप करती है। और सेफ्टी के मामले में तो टोयोटा का भैया लाजवाब है मामला भैया, सेफ्टी में तो भैया फॉर्च्यूनर आती हैं भैया इसकी, और इनोवा का नाम तो भैया सेफ्टी से जुड़ जाता है। बाकी डैशबोर्ड की बात करें तो सब आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलेगा, ये जो तो आप देख रहे हो ये सब आपको सॉफ्ट टच है प्रॉपर एकदम, और ये जो कंट्रोल्स दे रखे हैं ये आपको मैं समझा देता हूँ, ये आपका देख सकते हैं इसका कर्टेन ऑफ ऑन कर ऑन और ऑफ करने का एक बटन दे रखा है, ये जो बटन देख रहे हो सनरूफ का। बाकी यहाँ इसके साइड में आप सनरूफ भी खोल सकते हो इस कार का, पैनोरामिक सनरूफ जैसा कि मैंने आपको बता दिया था वो भी खोल सकते हो यहाँ की साइड से। और बाकी ये आपको देख सकते हैं लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है आपको, केबिन लाइट में आपको देख सकते हैं इसके अंदर हेलोजन में लाइट देखने के लिए मिलेगी, LED में नहीं दी है इस कार के अंदर, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी। बाकी SOS का बटन आ जाता है, ये देख सकते हैं आपको SOS का बटन दे रखा है यहाँ की साइड में आपका। अब इस कार की एक बार रियर सीट पे चल लेते हैं, इंटीरियर की बात मतलब रियर सीट की बात कर ली, फ्रंट सीट की बात कर ली, अब एक बार रियर सीट पे चल लेते हैं, दिखा देता हूँ रियर सीट पे बैठ के भाई, आ जाते हैं भाई रियर सीट पे इस कार की, कि क्या क्या भाई रियर सीट पे दे रखा है भाई मामला इस कार की। तो फिलहाल ये जो आप देख सकते हैं ये आपका सॉफ्ट टच मटेरियल है रियर सीट पे भी और फ्रंट सीट पे भी, और यहाँ की साइड में आपको सनशेड होल्डर भी देखने के लिए मिल जाते हैं इस कार के अंदर। ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, और बढ़िया क्यों लगता है भाई, कंपनी अपने पास से दे रही है, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, अपना लगाओ और धूप वूप तो आएगी नहीं, और थोड़ा बहुत प्राइवेसी भी हो जाती है कार के अंदर। नीचे की साइड में बोतल होल्डर का स्पेस एज यूजुअल दे रखा है, बाकी लीवर आपको देख सकते हैं क्रोम वगैरह में देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये डब्बा इसे पीछे रख देते हैं थोड़ा, भी बाद में भैया पीछे की बात करनी है अभी तो गाड़ी की,
फिलहाल अभी इसकी रियर सीट की बात कर लेते हैं। कैप्टन सीट्स देखने के लिए मिलेगी, रियर सीट लोग बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और हाँ भाई कंफर्टेबल भी है इस कार की रियर सीट। रियर सीट पे एक चीज़ की कमी क्या लगती है मुझे, दो चीज़ों की कमी लगती है। जब इतनी कंफर्टेबल कार है तो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है रियर में एक तो, और सबसे मेन बात रियर सीट में आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इसका जो थाई सपोर्ट है वही ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, ये जो देख रहे हो रियर सीट पे, बाकी सीट आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं कर पाते। अब इस कार की एक बार रियर सीट पे बैठ जाता हूँ मैं, रियर सीट की भी बात कर लेते हैं भाई, ऑटोमेटिक मतलब कि कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं है, ये सब चीज़ों की भी बात कर लेते हैं इस कार के। तो यार रियर सीट ना इस कार की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सही बताऊँ तो मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि पूछो ही मत, आराम से बैठा हूँ यार कि कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, मतलब बढ़िया करके देख सकते हो लेग रूम कितना ज़्यादा बढ़िया है। मैगजीन होल्डर भी दे रखी है यहाँ की साइड में, थोड़ा बहुत स्पेस कि फ़ोन वोन रख दो अपना, बाकी ये देख सकते हैं कि आपकी कप होल्डर का स्पेस भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है प्रॉपर। देख सकते हैं भैया कप होल्डर का स्पेस भी दे रखा है भाई। अब इसे एक बार बंद कर देते हैं, कप होल्डर का स्पेस यहाँ से बंद हो जाता है, यहाँ से खुल भी जाता है, जैसा कि दो जने आराम से बैठे हैं, कोई भी ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं, पी सकते हैं आप। बाकी यार इसके अंदर थाई सपोर्ट जो चीज़ है ना वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये देखो इसे पीछे कर लेता हूँ पहले मैं सीट को, अब देखो अब दिखेगा आपको थाई सपोर्ट, ये देखो है नहीं है बढ़िया, ये देखो यार ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब आराम से सोते हुए चले जाओ भाई कार के अंदर। बाकी ये देख सकते हैं आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है रियर सीट पे, ये जो देख रहे हो प्रॉपर आपको दोनों तरफ ही आपको थाई सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। इधर वाला थाई सपोर्ट ओपन करके दिखा दें तो तब आपको थोड़ा बहुत और समझ आएगा, ये देखो ये दिख रहा होगा आपको थाई सपोर्ट, मतलब यार बढ़िया आराम से लेट के जाओ भाई सीट पे, प्रॉपर ऊपर तक हो जाता है, ऊपर तक हो गया। अब देखो इस कार का लुक सीट का भाई, आराम से लेट के हुए जाओ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस कार के अंदर आपको। अब थर्ड रो की बात कर लेते हैं भाई, थर्ड रो की बात भी कर लेते हैं अब जरा, उससे पहले यहाँ की बेसिक इन्फॉर्मेशन एक दो रह रही है वो बता देता हूँ। ये देख सकते हैं ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेगा इधर की साइड में आपको, ये देख सकते हैं एसी के कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाएंगे रियर सीट पे, जो कि आपको एसी चलाना है, जो भी आपको टेम्परेचर रखना है वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो देख रहे हो ऑटोमेटिक एसी भी आपको रियर सीट में देखने के लिए मिलेगा, इसे ऑफ कर देते हैं। अब इस कार की थर्ड रो की बात करें, क्या थर्ड रो में मतलब इतना स्पेस है ना इसके अंदर कि मतलब बच्चे तो बैठ ही सकते हैं, बड़े भी आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं है थर्ड रो में। इतना अभी सामान रखा हुआ है इस कार के अंदर, तब भी आराम से मतलब मैं एक साइड में बैठ सकता हूँ इस कार की रियर थर्ड रो में, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। बाकी देख सकते हैं तीन आपको देख सकते हैं हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, और इधर की साइड में आपको देख सकते हैं पावर सॉकेट भी देखने के लिए मिल जाता है। इसे खोल देता हूँ एक बार, अरे फोन टेढ़ा हो गया। इधर की साइड में आपको पावर सॉकेट भी देखने के लिए मिल जाता है। यार एक हाथ में फोन होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही होती है। बाकी एसी के वेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आप देख रहे हो प्रॉपर एकदम एसी के वेंट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। ग्रैब हैंडल वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया था, यहाँ से लुक देख सकते हो आप डैशबोर्ड का एक बार इस कार के। यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार ये आपको कार कैसी लगी जो मैंने पूरा एकदम रिव्यू दिया है इस कार का। बाकी पैनोरामिक सनरूफ तो है ही बढ़िया भाई, ये चीज़ तो बढ़िया होती है, एकदम आराम से भाई आप आराम से लेटे हुए हो गाड़ी के अंदर और चल रही है भैया मज़ेदार करके। तो यार यही था इस कार का फुल डिटेल वॉकराउंड वीडियो इंटीरियर और एक्सटीरियर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।